नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड के हरफन मौला अदाकार बमन ईरानी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो एक बात आपके बारे में सुनी है, ठीक है, क्योंकि फिल्मों के बारे में बहुत गपशप होती है, कई सच कभी झूठ होता है। एक बात सुनिए कि जी, आपका वजन फिल्मों में तो बढ़ता चला जा रहा है और फिजिकली आप कम करते चले जा रहे हैं, क्या बात है? आप सुंदर लगते जाते हैं, इश्क विश्क हो गया कुछ? ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक जरूरी होती है कि हर एक कैरेक्टर को देख के उसके हिसाब से एक बॉडी या चेहरा या जो मेकअप को देख के वो रिड्यूस करते हैं, उसका मतलब या वजन बढ़ाते भी है, ऐसी कोई बात नहीं। डिजाइनर बॉडी बनाते हैं, डिजाइनर बॉडी, और जब वजन बढ़ने का जो रोल आता है तो बहुत आसानी से हो जाता है। पर ये तो अमेरिका में इस तरह की प्रैक्टिस होती है ना कि फिल्म स्टार को बनाना, उसी शेप करना, उसी हिसाब से 6-6 महीने 8-8 महीने लगाना, यहाँ भी शुरू हो गया। आई डोंट थिंक एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट, एक एक्टर को अच्छा लगता है अपने आप को सेट पे जब काम करता है तो ही फील्स द कैरेक्टर बेटर, तो ही शुड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। तो आपने जो वजन अपना कम किया, किस रोल के लिए किया? खास तौर से मैंने डॉन के लिए किया है, क्योंकि डॉन में मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और बहुत नकली पुलिस इंस्पेक्टर जो भी वो जिसने नहीं देखा हो तो शायद, लेकिन इट वाज इम्पोर्टेंट कि आई वाज फिट बिकॉज वहां पे बहुत एक्शन सीक्वेंसेस थे, ड्राइविंग थे और भागना भी था, तो यू नो विद ऑल माय वेट आई वुड बी जिंगलिंग जैंगलिंग अराउंड द प्लेन, फाइट सीक्वेंस में ऑड लगता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वजन उतार लूं अच्छा लगेगा। तो रोल के लिए किया था ना कि आपको ये था कि आपको वजन कम करना? मुझे बहुत मुश्किल होता है। फिर बढ़ा लिया उसके बाद? बहुत, 2-4 किलो बढ़ गए वापस। खाने पीने का शौक ज्यादा है, क्या करूं, पारसी हूं सर। पर एक बात बताइए, जब आपने शुरू किया, क्योंकि आपके रोल जैसे डॉन एक ऐसा रोल है जिस तरह का रोल आपने पहले कभी किया नहीं था, डिफरेंट था, इस तरह जब आपके रोल जिंदगी जब शुरू किया आपने, दुकान पे बेचते थे, पता नहीं क्या करते थे आप, दुकानदार के रूप में शुरू किया? मैं दुकानदार था जी। क्या क्या बेचते थे? हमारी छोटी सी एक दुकान थी ग्रांट रोड मुंबई में, पोटैटो चिप्स वेफर्स बनाने की, और वहाँ पे काउंटर था, मैं काउंटर पे बैठता था, वहाँ पे दुकानदारी करता था। बड़े अच्छे दिन थे। तो आपने फिर उससे फोटोग्राफर बन गए उसके बाद आप? मैं फोटोग्राफर एक हॉबीइस्ट के हिसाब से मैं फोटोग्राफी करता था, सैटरडे या संडे को सुबह जाके फोटोग्राफ्स लेके। मुझे बहुत शौक था कि नेशनल जियोग्राफिक फोटोग्राफर बनूंगा एक दिन, लेकिन वो तो हुआ नहीं, बड़ी अफसोस की बात है। वही चाहते थे आप फोटोग्राफर? हाँ जी हाँ। और फिर मैंने दुकान पे 10-12 साल निकाले, वहाँ पे शादी भी की, उस वक्त 2 बच्चे भी हुए थे दुकान के टाइम पे, और फोटोग्राफी हॉबी के हिसाब से करता था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं प्रोफेशनली कर लूं। तो फिल्मों में कैसे घुस गए आप फिर? मैं, मेरे पास हॉबी, आप ड्रामा में ज्यादा जाए, इंग्लिश ड्रामा जी, क्या प्रॉब्लम क्या था, जब मैं फोटोग्राफी प्रोफेशनली करने लगा तो मेरे पास हॉबी नहीं रही, तो फिर मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया सैटरडे संडे पे। बहुत मजा आता था, 200 रुपये रात, टैक्सी भाड़ा भी नहीं निकलता था उसमें, लेकिन बहुत मजा आता था। सो आई बिकेम एन एक्टर एज इंग्लिश इंग्लिश इन इंग्लिश थिएटर। पढ़ाई कितनी करी है कुछ? पढ़ाई I did my 10th standard in St. Mary's School, Bombay. Then I went to college in Pune, Wadia College. Then I did a short course in catering. फिर होटल में भी काम किया था, catering in catering. वेफर बेचे, उसका फोटोग्राफी की और खाना बनाना भी सीखा। बस क्या कर, वो मेरी शौक ही ऐसी है, तो मैं उस तरफ ही मैं निकल पड़ा। तो आप फिल्मों में घुसने का शौक कैसे पड़ गया? बहुत साल लगे थे एक फोटोग्राफर का के रूप में, एक फोटोग्राफर के करियर बनाने में मेरी बहुत बहुत टाइम निकल गई थी, एंड आई डिड नॉट वांट टू जस्ट लीव दैट ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि फिल्म्स ऑफर्स आ रहे हैं, टेलीविजन हर हफ्ते एक टेलीविजन का ऑफर आता था, मैं नहीं किया। लेकिन खुशी की बात यह है कि आई मेट विनोद चोपड़ा, यू नो मिस्टर विनोद चोपड़ा, एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू राजकुमार हिरानी। और मैंने मुन्ना भाई MBBS भी मैंने रिजेक्ट की थी, मैंने बोला मुझे नहीं करना है, आई एम नॉट कट आउट फॉर हिंदी फिल्म, मेरी हिंदी इतनी खराब है लोग हंसेंगे, थे बट वी विल अडैप्ट द कैरेक्टर टू मेक हिम। विनोद कहाँ मिल गया आपका? उन्होंने मेरी एक छोटी सी डिजिटल फिल्म देखी थी, लेट्स टॉक, और कहा कि यू नो नेक्स्ट ईयर दिसंबर आपके डेट्स फ्री रखना, तो मैं मजाक समझ रहा था, तो बोले यू विल बी वर्किंग इन अ फिल्म विद मी, मैं बोला ओके ठीक है, मैं समझा ही वाज अप्रिशिएटिंग माय वर्क, लेकिन ही वाज सीरियस। आपके अंदर क्या उन्होंने देखा कि आप हास्य कलाकार कॉमेडियन बन सकते हैं, ये कैसे नोट किया? कि मुन्ना भाई की आपने बात शुरू की, बाकी फिल्मों भी उससे पहले आपने काम किया है, पर दैट वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट जिसको कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, लेकिन
अगर आप गौर से देखें तो द कैरेक्टर डॉक्टर अस्थाना इन मुन्ना भाई MBBS इज नॉट अ कॉमिक कैरेक्टर. इज अ वेरी वेरी हार्ड नोज्ड इरिटेटिंग सीरियस काइंड ऑफ कैरेक्टर. ही जस्ट यूज टू लाफ एंड दैट यूज टू पीपल फाउंड इट फनी. ही वॉज नॉट फनी. No, but acting जब से रखी गई आप हंसते कम थे उसमें ठीक है सीरियस थे एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल स्टर्न थे बहुत जैसे होता है कि एक ठीक चलेगा ये से. There was no joy in his life. उसके उनकी जिंदगी में ऐसे कोई ना कि हमेशा वो हंसते रहते थे for the sake of laughing. वो हंसते थे क्योंकि उनकी उनका गुस्सा इतना था तो वो कंट्रोल करने के लिए हंसते थे और ऑडियंस को था ना क्योंकि आप टेक्निक जब भी गुस्सा आपको होता था तब आप हंसने लग जाते या बेंच पे बैठ के हंस रहे हैं या उसको. ही इज नॉट अ कॉमिक कैरेक्टर. मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कॉमिकल कैरेक्टर है कि वो वहां एक कॉमेडियन के हिसाब से प्लांट किया गया था. ही इज द एंटागोनिस्ट ऑफ द फिल्म. एक्टर इन यू राइट कि आप एक अच्छे एक्टर हैं जी या हंसाने वाले या हंसने वाले जी. तो ये तो विनोद चोपड़ा है. विधि विनोद चोपड़ा को पहले बार लगा या आपको भी लगता था आपका काम भी हमारी जो डायरेक्टर है सभी डायरेक्टर और इस फिल्म के लिए राजकुमार ईरानी वी वर्क्ड वेरी वेल एज फ्रेंड्स और जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में भी वी वर्क्ड अगेन द सेम वे और बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो. अब अगर हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे यहाँ बड़ा लाफ्टर आएगा तो फिर वी फॉरगेटिंग अबाउट द कैरेक्टर. नहीं लेबलिंग हो जाती है ना कलाकार की क्योंकि आप एक तो फिल्म इंडस्ट्री में लेट आए और लगता ये है कि आपकी उम्र अभी भी बहुत जवान है जिस तरह से जवान है सर, अगर आप लगता नहीं कि जिस लेट आते तो एक तरह लेबल लग जाएगा आपके ऊपर. तो आपने सोचा नहीं हुआ किस तरह का लेबल आप लगाना चाहते हैं अपने ऊपर. आई थिंक एक्टर का लेबल अच्छा होता है. I would like to be known for my performances rather than I would like to be known as a comedian or a dramatic actor. मुझे अच्छा लगता है कि कोई अच्छा रोल को हाथ में आए तो उसे develop करके to make that role my own. कि लोग बोलेंगे that Boman did a good job in that. That's all. जैसे आप मुन्ना भाई की बार बार बात करें उसमें तो तीन character ऐसे थे आप थे और संजू भैया थे जी. और अर्शद सर्किट और डॉक्टर साहब जी और वो लड़का उनके हर एक्टिंग में हंसी थी ना तीनों जी. कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि किसको ज्यादा आसान है. बिल्कुल. तो उसमें कंपटीशन तो होगा नहीं कौन ज्यादा आसान आएगा. बिल्कुल नहीं. मैं ये कहूंगा कि हम सोचते नहीं कि ये पॉइंट पे लाफ्टर आएगी. लाफ्टर तो ऑडियंस चूज करती है हमें कहाँ हंसना है और उनका हक बनता है कि वो कहाँ पे हंसेंगे. अगर हम सोचेंगे कि यहाँ पे ऑडियंस को हंसाएंगे तो हम वी आर डायग्रेसिंग फ्रॉम द स्टोरी. मेन स्टोरी पॉइंट से हम दूर जा रहे हैं कि ये सीन कहाँ जा रही है वो भूल जा रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि हम हंसाएंगे ऑडियंस को. नहीं तो जब रिहर्सल करते हैं तो वहाँ जो आपके सामने लोग देख रहे हैं वो भी तो हंसते होंगे ना. तब पता चलता है आपको कि क्या है. तब पता चलता है एक्चुअली. पहले वहां पता चलता है कि लोग ऐसे मूंछ में हंस रहे तो यू नो कि यू आर हैविंग अ गुड सीन. लेकिन जब ये फिल्म ऑडियंस तक पहुंचती है तो हम खुद शॉक खा जाते हैं कि ऑडियंस यहाँ इतना बड़ा लाफ्टर था हमें खुद पता नहीं था. 15-16 फिल्म में जब आपकी आइडेंटिटी बनी वो तो आप मान रहे हैं कि लगे रहे मुन्ना भाई से बनी आपकी आइडेंटिटी. जी एब्सोल्युटली. मुन्ना भाई MBBS के बिना मैं यहाँ पे आ नहीं सकता. रानी कौन है कौन से बाग की क्या कहते हैं खेत की मूली जिसको बोलते हैं किसी को पता नहीं था. जो जो थिएटर सर्कल में पता था फोटोग्राफी सर्कल में पता था. लेकिन आई डू नॉट एक और बार मैं कहना चाहूंगा कि सक्सेस एक चीज होती है और फेम एक चीज होती है अलग चीज होती है. आई मे हैव बीन सक्सेसफुल अर्लियर बट नॉट फेमस. दैट्स अ डिफरेंस. देयर आर सम मोस्ट पीपल आर सक्सेसफुल दे मे नॉट बी फेमस. ये भी तो सक्सेस ही है. अगर फिल्म लाइन में अगर पीपल रिकॉग्नाइज मी फॉर स्टार्टर्स डेफिनेटली मुन्ना भाई MBBS. पर क्यों नहीं फिल्मों में आजकल ऐसी हिंदुस्तान की ऐसी फिल्में जिससे कुछ आप कॉमेडियन फिल्म आती नहीं है ज्यादा उसका कारण क्या है. कॉमिक फिल्म्स नहीं आती है जिसमें एक्टर जो है ना कॉमिक करने वाला कॉमेडियन है ना. जैसे वीरधारा में अगर आप सीरियस फिल्म है उसमें भी आप थे जी. पर उसमें डिफरेंट किस्म का रोल था जी. तो ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती जिसमें आप जैसे लोग जो हैं जो हीरो ना होते भी हीरो हैं फिल्म के. आई थिंक वो फिल्म एक फिल्म की टाइप होनी चाहिए ना. फिल्म की जो जानर होती है वैसी फिल्म बनती है. आजकल की फिल्म अगर आप देखेंगे इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा. जो 10 साल पहले बनती थी और 20 साल पहले बनती थी वो अलग टाइप की सिनेमा बनती है. आज अलग टाइप की एक सिनेमा बन रही है. और अगर आप देखने जाए तो ऐसे जरूरी नहीं है कि जो फिल्म हीरो के बिना होती है वही अच्छी फिल्म होती है.
I think Khosla Ghosla was a good film. It's a nice example. ठीक है, छोटी फिल्म है, छोटे उसके अंदर ज़्यादा पैसे नहीं लगे, बड़े कलाकार जिस तरह से जिनके नाम आते हैं वो नहीं हैं. पर मैं सवाल ये बार-बार रिपीट करने वाला आपके, क्योंकि आजकल के बॉलीवुड बनाने जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, वो कॉमेडी को एक इंटेग्रल पार्ट अपने फिल्मों का क्यों नहीं बना के चलते, जैसे मुन्ना भाई में था. इसके ऊपर सवाल पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद. सर, सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है. आज हम बातचीत कर रहे हैं बॉलीवुड के हसमुख सितारे बमन ईरानी से. डॉन के रोल में आपको लगा कि आप सूटेबल थे, इसके अंदर वजन आपने उसी के लिए कम किया था ना? देखो, वजन कम करने से आदमी कैरेक्टर नहीं बनता, लेकिन सूटेबल हम पूरी कोशिश करते हैं. ऑडियंस डिसाइड करती है कि सूटेबल है कि नहीं. अभी बहुत सारे मुझे मैसेजेस मिले हैं कि दे लाइक माय परफॉर्मेंस इन डॉन. कहीं ने शायद जिसको अच्छा नहीं लगा हो मैसेज नहीं किया होगा मुझे. आपको लगता है कि आप उस रोल को उस तरह से निभा पाए जिस तरह से आपने मुन्ना भाई? मैंने पूरी कोशिश की और पूरी कोशिश की, एंड आई थिंक इफ पीपल हैव सेंट मी द मैसेजेस दैट दे हैव, मे बी दे आर लाइंग. इफ दे आर नॉट देन फाइन, आई विल ट्राई, कीप ट्राइंग माय बेस्ट. आपको है ना? हाँ, पर उसमें यू मस्ट कीप ट्राइंग योर बेस्ट. अगर लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे और सेफ खेलते जाएंगे तो उसमें कोई मजा नहीं. स्क्रिप्ट पढ़ के लिया हुआ है ना? 100% इसके अंदर जो है नकली मुन्ना भाई, जो नकली जो डॉन है वो तो निकल जाएगा एकदम. दैट्स ओके, इट्स अ स्टोरी. इवेंचुअली हमें एक्साइटमेंट होती है एक नए रोल को प्रिपेयर करने का, कि एक प्रिपरेशन, उसका क्या ग्राफ रहेगा, किस पॉइंट पे वो अपनी ही विल शो हिज ट्रू कलर्स. तो देयर्स अ ग्राफ, और मुझे उसमें वो प्रिपरेशन में बहुत एंजॉयमेंट होगी. आप एक्टिंग हमेशा करते रहे, पहले स्टेज से शुरू किया आपने, एक बायोग्राफी वगैरह भी पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं. आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पीपल. बिल्कुल, या आई गेट ग्रेट इंस्पिरेशन फ्रॉम स्पोर्ट्स पीपल, आई डोंट नो व्हाई. गेम कभी खेली नहीं? गेम खेला, क्यों नहीं खेला? कौन सा गेम खेला? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट. जैसे जितना आप खेले उतना ही मैं खेला. मैंने क्रिकेट कॉलेज तक खेला, फिर डायरेक्टर्स का टीम रिप्रेजेंट किया, उसके बाद कुछ नहीं किया. बस वो ही खेल चुके ना हम. अच्छा, बॉल पकड़ लिया. आई एंजॉयड मार्टिन स्कॉर्सेसीज ऑटोबायोग्राफी, अकीरा कुरोसावास बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज वन ऑफ माय फेवरेट्स. आपकी बायोग्राफी कोई पूछना चाहे कि शुरू करना चाहे ऑटोबायोग्राफी, तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें? खत्म तो होनी नहीं अभी, वो चलती रहेगी. खत्म तो होनी नहीं अभी, लेकिन शुरू करें तो आई थिंक एक इंसान का बचपन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है. आई थिंक हिज फाउंडेशन इज हिज चाइल्डहुड, पेरेंट्स, द लव दैट ही गेट्स, व्हाट ही रीड्स, क्या पढ़ता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, वहां से उनकी जो फाउंडेशन शुरू होती है is very important. So I think मेरे अगर बोलेंगे मेरी बायोग्राफी किसी को लिखना है तो मैं बचपन पे ज्यादा ध्यान दूंगा बात करने का. तो बचपन में कुछ ऐसा याद है आपको? I have had a wonderful life. क्यों होता है जो है कि आपने wonderful life तो होगी, कोई जैसे से आप रोल करते हैं, जैसे से आपका एक्सपर्टाइज है, जैसे से आप हो जाते हैं उसके अंदर जी, तो होगा. पर उसका कॉन्फ्लिक्ट भी कई बार, जैसे आप फोटोग्राफर बने जी, कैमरा आपको यूज करना आता है? बिल्कुल आता है. आई थिंक यू कैन क्लेम कि आपको आता है. यस, तो जब आपको शूट कर रहा है कोई तो परेशानी होती है कि ये तो गलत शूट कर रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हुआ कभी आपको? अगर वो एक प्रोफेशनल है, इट इज कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपका? बिल्कुल नहीं, नहीं हुआ. आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर द कैमरा पर्सन, ऑलवेज आई आइडेंटिफाई विद हिम. और दूसरी बात यह है कि आई डू नॉट हैव टू थिंक ऑफ द कैमरा पर्सन, बिकॉज वो प्रोफेशनल है, ही इज डूइंग हिज जॉब. आई हैव टू डू माय जॉब. माय जॉब इज कि अगर मैं फोटोग्राफी के बारे में कुछ भी जानता हूँ तो इट हेल्प्स माय एक्टिंग, क्योंकि मुझे पता है कि ये लेंस अगर इस्तेमाल करेंगे तो इतना क्लोज है, ये लेंस इस्तेमाल करेंगे तो इतना वाइड हो जाता है. तो उस हिसाब से मैं मेरी परफॉर्मेंस को बढ़ाता हूँ या डिग्री को कम करता हूँ. में था ना, एक पत्रकार दूसरे को हमेशा खराब समझता है, अपने आप को अच्छा समझता है. मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आई थिंक दैट इज रॉन्ग. आई थिंक ऑल कैमरामैन हैव टू वंडरफुल आईज एंड दे शुड डू देयर वर्क. No one should. तो बायोग्राफी का बचपन का आपने, फिल्मों में मैं पहले भी पूछा आपसे, फिल्मों में विनोद ने तो आपको 2000 की बात किया जब आप मुन्ना भाई में, वैसे कैसे आए पहले, उससे पहले कैसे फिल्मों में घुसे आप? मैं फिल्मों में अभी मुन्ना भाई MBBS जो पहली फिल्म कमर्शियल फिल्म थी जो मैंने साइन किया, उससे पहले छोटी छोटी सी फिल्में की आपने? एक दो अंग्रेजी फिल्म की थी मैंने, लेट्स टॉक, वो भी डिजिटल कैमरा फिल्म थी, और एवरीवन सेज़ आई एम फाइन, जिसमें छोटा सा मैंने रोल किया था. तो 15 फिल्म जो आपने की है जी, तो उसमें जैसे आपने कहा वीर जारा, लक्ष्य, माय वाइफ्स मर्डर, तो आने वाली है ना अभी आप, लक्ष्य तो माय वाइफ्स मर्डर. जो फिल्में आ रही हैं वो कौन-कौन सी हैं? हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड. आप रोमांटिक के फिल्म कैरेक्टर की बात कर रहे थे, ये बहुत ही रोमांटिक कैरेक्टर है.
बाद में बताऊंगा शो के बाद। हाँ जी, आपने प्राइवेट लिमिटेड काफी कंपनी में लोग हैं उसे। हाँ जी, सारे इकट्ठे बस पे, सारे इकट्ठे 8-9 कपल्स बस में जाते गोवा हनीमून पे। बहुत ही अच्छी फिल्म है। कौन कौन है 8 कपल? अच्छा, शबाना आजमी, दिया मिर्जा है, अर्जुन रामपाल है, अमीषा पटेल है, संध्या मृदुल, रणबीर शोरे, बहुत अच्छे एक्टर। इंश्योरेंस की बात है ना, प्रोड्यूसर भी इंश्योरेंस ले रहे हैं। ऐसे नहीं, आई थिंक जो कैरेक्टर, ये रोल एक्टर कैरेक्टर को फिट करता है, उन लोग कास्टिंग करते हैं। मैं ये और एक कहूंगा कि आप फिल्म में अगर बोलेंगे ट्रेंड के हिसाब से कि चलो इतने सारे एक्टर को डालो तो इंश्योरेंस हो जाती है, इतने बड़े स्टार्स को डालो इंश्योरेंस हो जाती है, या कुछ भी कॉन्फिगरेशन कीजिए, लेकिन आखिर में है ना, ये तो मानेंगे आप, आखिर में फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी, अच्छी नहीं होगी तो नहीं चलेगी। जब फिल्म में सिंपल सिंपल बात है, अगर आप सबसे बड़ी फिल्म, सबसे बड़ी स्टार कास्ट को भी इकट्ठा करो और अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो नहीं चलेगी। एनी फिल्म दैट इज गुड वर्क्स। नहीं, पर आप ये तो देख ही रहे ना, इस बात से सहमत है कि फिल्म के अंदर कुछ आपके फैन है, कुछ शाहरुख खान के फैन है, आमिर खान के फैन है, सब मिलके तो एक बड़ा पूल बन जाता है ना अल्टीमेटली। फिर भी बड़े फिल्म भी फ्लॉप होते हैं, लेकिन अच्छी बात है। आखिर में कौन सी फिल्म, जो भी फिल्म चलती है, अगर घोसला घोसला अगर आप सोचेंगे चली है आज और लोगों को पसंद है, इसलिए नहीं कि मैं हूँ, अनुपम खेर साहब है और इसलिए चली है, इट्स रन बिकॉज इट्स अ गुड फिल्म। लो कॉस्ट बजट है, हंसी की फिल्म है, तो सी दैट मींस दैट देयर इज नो रियल क्रेडिट फॉर सक्सेस। अगर आप बोलेंगे कि एक सक्सेस हुई, प्रॉफिट इज द रियल क्रेडिट, और नहीं, फिर वही कह रहा हूं ना, प्रॉफिट, ये द टेस्ट ऑफ टाइम इज द रियल जज। कितने दिन चली? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारी फिल्में, अगर आप देखेंगे बहुत फेमस फिल्म है शॉशैंक रिडेम्पशन करके, फिल्म ने पैसे बनाए नहीं थे, चली भी नहीं थी, लेकिन आज 100 टॉप फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम में माना जाता है। तो अगर आप आपसे पूछा जाए सक्सेस ऑफ अ फिल्म, आपके सबसे अच्छे जो आपके कौन है फेवरेट, जिसको आप मान के चलते हैं कि अच्छे डायरेक्टर या फिल्म एक्टर जिनकी फिल्म में टाइम जो वो कह रहे हैं वॉक में नहीं जा रही थी, वो टाइम के हिसाब से टाइमलेस फेमस। यू एग्री विद मी फाइनली कि द फिल्म दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम इज अ ग्रेट फिल्म। पर अब ऐसी कोई फिल्म, मदर इंडिया देखिए, अभी भी दोबारा बना लीजिए, बना रहे हैं लोग, मुगले आजम दोबारा आई है तो लोगों ने देखी ना उसको भी, बिल्कुल है कि नहीं। मैं यही बोल रहा हूँ that any film that stands the test of time is a great film। अगर अब आप बोलेंगे कि ये फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल रही थी, लेकिन 10 साल के बाद यू स्क्रैच योर हेड एंड से वो फिल्म कौन सी थी जो इट इज नॉट अ ग्रेट सक्सेस। आपके फेवरेट कौन हैं जिनको पास्ट में, मैं करंट की नहीं बात करूँ, पास्ट डायरेक्टर्स, ऋषिकेश मुखर्जी, एक्टर, पास्ट एक्टर्स, एक्टर्स मेरे ऑल टाइम फेवरेट एक्टर, और कभी भी मैं उनका नाम लेता हूँ मुझे अच्छा लगता है, बलराज साहनी साहब। I'm a great fan of Mr. Balraj. And fan bhi bolke mujhe, it's kind of making it, ruining the moment. I'm a student of what he does. I watch him, I find the great dignity in the man's face. So finally, agar main sawal aapse puchu, ki aap apne aap ko kya dekhte hain? Character actor, a comedian, a villain, I don't know what. I'm an actor. एक्टर तो है ही आप, उसमें कोई शक ही नहीं है, तभी तो बैठे हैं आप। मैं अपने आप को लेबल नहीं करूंगा, जब मैं अपने आप को लेबल कर देता हूं तो मैं अपने आप को लिमिट कर देता हूं, तो मैं अपने आप को लेबल बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अपने आप को बेशक एक एक्टर समझता हूं, और एक एक्टर जो कोशिश हर रोज करेगा कि अपने आप को चैलेंज करो और कुछ नए नए काम करते जाओ, कि पीपल शुड, यू शुड बी विलिंग टू फेल। आप हंसेंगे नहीं आखिर क्वेश्चन? बिल्कुल हंसेंगे, अभी आपको मैं वापस, आप हंसिए मेरे साथ, देखते कौन लेवल आप करता है, क्योंकि लेवल तो आप हो चुके हैं, अच्छे एक्टर हैं आप, कहेंगे आप हमारे शो में आए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच चावला सर। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।